Welcome to all of you in our YouTube channel. Today we are going to discuss the Victorian female novelist. Here discussion तो पहले हम इसके अंदर इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे. एक बात बताना चाहता हूँ कि ये इसका सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने विक्टोरियन मेल नॉवलिस्ट को डिस्कस किया है और ये दूसरा पार्ट है जिसके अंदर विक्टोरियन फीमेल नॉवलिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं. तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि विक्टोरियन लिटरेचर इज अ रिच विद द रिमार्केबल वुमेन नॉवलिस्ट हु डिफाइन सोशल नॉर्म. कि विक्टोरियन लिटरेचर रिच है यानी कि भरा भरा है रिमार्केबल वुमेन्स जो डिफाइन करती है सोशल नॉर्म्स एंड क्रिएट इंड्यूरिंग वर्क चैलेंज जो चैलेंज करता है और रिफ्लेक्ट करता है वैल्यूज ऑफ टाइम जो वैल्यूज और उस समय की वैल्यूज को डिफाइन करता है. वी विल एक्सप्लोर द सम दिस नॉवलिस्ट देयर मेजर वर्क्स एंड द थीम्स ऑफ एक्सप्लोर. जो उन्होंने थीम्स एक्सप्लोर करे थे और उनके मेजर वर्क थे उनको हम एक्सप्लोर करेंगे और डिस्कस करेंगे. तो पहले फीमेल नॉवलिस्ट है शार्लोट ब्रॉन्टे. उनका ये टाइमलाइन है एरा है. मेजर वर्क्स है जेन आयर शीले विल्टे. ये उनके मेजर वर्क्स हैं और उनके थीम क्या है. तो थीम है ब्रोंटे वर्क्स ओपन डील्स इनटू थीम्स ऑफ सोशल क्लास. शार्ल ब्रोंटे के थीम्स क्या रहे हैं. तो सोशल क्लास है जेंडर रोल्स स्ट्रगल ऑफ इंडिविजुअलिटी विद इन ऑपरेसिव सोशल स्ट्रक्चर. तो ऑपरेसिव सोशल स्ट्रक्चर में जो जेंडर रोल्स है और स्ट्रगल है वो उनके थीम्स रहे हैं यानी कि वो इस थीम्स पर लिखा कर देती. जेन आयर इज अ क्वेंटेंशियल एग्जाम्पल एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है एक्सप्लोरिंग द जर्नी ऑफ द गवर्नेंस हु सीक्स ऑटोनॉमी एंड लव एमिड्स सोशल कंस्टेंट. सेकंड है एमिली ब्रॉन्टे. तो एमिली ब्रॉन्टे और शार्लोट ब्रॉन्टे की सिस्टर है. उनका इस टाइमलाइन है और कंस्टेंट का मीनिंग होता है फोर्स. एमिड्स का होता है बिटवीन. और लिखा है आपको समझने का जोश स्पेलिंग या वर्ड्स आपको समझ नहीं आते उसको एक बार ट्रांसलेट कर लेना. थीम्स है एमिली ब्रॉन्टे के एमिली ब्रॉन्टेस ओनली नॉवेल. उनके उन्होंने अपने समय के दरमियान बस एक ही नॉवेल लिखी थी वुदरिंग हाइट्स. इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोरेशन ऑफ पैशन. जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोरेशन था पैशन का रिवेंज एंड डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ अनचेक इमोशन. जो डिस्ट्रक्टिव पावर इमोशन के होते हैं उनको अनचेक किया है. द नॉवेल चैलेंजेस विक्टोरियन नोशन. जो नॉवेल थी ये वुदरिंग हाइट्स वो चैलेंज करते हैं विक्टोरियन नोशंस वो ऑफ द क्लास एंड जेंडर. प्रेजेंटिंग कैरेक्टर हु डिफाई सोशल एक्सपेक्टेशन. जो कैरेक्टर्स होते थे वो डिफाई करते थे सोशल एक्सपेक्टेशन को एंड सफर एंड कॉन्सिक्वेंस. थर्ड है एलिजाबेथ गास्केल. ये इनकी टाइमलाइन है. उनके मेजर वर्क्स है मैरी बार्टन नॉर्थ एंड साउथ क्रेनफोन. तो ये तीन इनकी मेजर वर्क्स है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं. थीम्स ऑफ एलिजाबेथ एंड गास्केल. गास्केल्स नॉवेल ऑफन डिपिक्ट द सोशल एंड इकोनॉमिकल रियलिटी ऑफ द विक्टोरिया इंग्लैंड. तो क्या डिपिक्ट करती थी इकोनॉमिकल रियलिटी एंड विक्टोरियन ऑफ सॉरी इकोनॉमिकल एंड सोशल रियलिटी ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन द लिव्स ऑफ द वर्किंग क्लास. और उनका सबसे ज़्यादा फोकस रहा था लाइव्स ऑफ वर्किंग क्लास. नॉर्थ एंड साउथ. इस नॉर्थ एंड साउथ नॉवल के अंदर एक्सप्लोर द टेंशन बिटवीन. जो क्या एक्सप्लोर करती है टेंशन बिटवीन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड वर्कर्स. तो इंडस्ट्रियलिस्ट के और वर्कर के बिटवीन जो टेंशन यानी कि मतभेद रहती थी उनको एक्सप्लोर करती थी. वाइल क्रैनफोर्ड प्रोवाइड्स अ जेंटल पोर्ट्रे ऑफ विलेज. यानी कि जो क्रैनफोर्ड है वो क्या लिख रहता है जेंटल पोर्ट्रेल ऑफ विलेज यानी कि पोर्ट्रे यानी कि वो चित्रण करता है विलेज लाइफ एंड फीमेल फ्रेंडशिप्स का. फोर्थ है जॉर्ज इलियट. उनका रियल नेम है मैरी एन एवांस और इनकी टाइमलाइन. मेजर वर्क्स है मिडल मार्च है द मेल ऑन दी फ्लोस और सिलास मार्नर. तो ये तीन के मिडल
मेन नॉवेलिस्ट है, उनसे भी ज़्यादा उन्होंने लिखी होगी, बट ये मेन है। तो थीम्स इनके हैं, एलियट्स नॉवेल्स आर नोन फॉर देयर साइकोलॉजिकल डेप्थ। उनकी नॉवल किस लिए जानी जाती थी? तो साइकोलॉजिकल डेप्थ के लिए, मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी एंड कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। जो कीन यानी कि एक डीपली ऑब्जर्वेशन था जिसका, ह्यूमन नेचर का, उसके लिए उनकी नॉवल जानी जाती थी। मिडल मार्च है, इज अ पैनारोमिक एक्सप्लोरेशन ऑफ प्रोविंशियल लाइफ। जो एक्सप्लोरेशन है प्रोविंशियल लाइफ, मैरिज का, एंड क्वेस्ट फॉर मीनिंग। और जिन लोगों की क्वेस्ट होती है उनके मीनिंग के पीछे भागते हैं वो दिखाया गया है। वाइल द मेल ऑन द फ्लॉस क्या एग्जामिन करती है? एग्जामिन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, एग्जामिन यानी कि दर्शाती है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल डिजायर्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस, सामाजिक एक्सपेक्टेशंस को वो एग्जामिन करती है। फिफ्थ है वुमेन नॉवेलिस्ट एना ब्रोंटे। मेजर वर्क्स है एग्नेस ग्रे, द टेनेंट ऑफ वाइल्ड फेल हॉल, ये इनके मेजर वर्क्स है। थीम्स है एना ब्रोंटेस नॉवल ऑफन डेल्ट विथ इश्यू ऑफ मॉरलिटी। तो इश्यू ऑफ मॉरलिटी उनका मेजर थीम्स है, मैरिज, वुमेन्स इंडिपेंडेंस, उनके सच द थीम्स रहे हैं। द टैलेंट ऑफ वाइल्ड फेल हॉल इज पायनियरिंग वर्क इन अ फेमिनिस्ट लिटरेचर। जो ये वर्क है वो महत्वपूर्ण है, वर्क इन फेमिनिस्ट लिटरेचर यानी कि फेमिनिस्ट लिटरेचर के अंदर उनका महत्वपूर्ण योगदान है। डिपिक्टिंग अ वुमेन हु फील्स एन एब्यूजिव मैरिज टू असर्ट हर ऑटोनॉमी एंड प्रोटेक्ट हर सन। वुमेन जो फील्स करती है एब्यूसिव मैरिज यानी कि गंदी मैरिज, और एसर्ट यानी कि क्लेम फॉर हर ऑटोनॉमी एंड प्रोटेक्ट हर सन, अपने बच्चे को बचाने के लिए। सिक्स्थ है मिस्टर गास्केल, उनकी मार्गरेट ऑलफेंट। उनके मेजर वर्क्स है द बेली गार्ड सिटी, द क्रॉनिकल ऑफ द कार्ल फोर्ट। तो इनके थीम्स रहे हैं ऑल्फन्स नॉवेल्स ऑफन एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अर्बन लाइफ। उनके थीम्स है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अर्बन लाइफ, सोशल चेंज एंड द रोल ऑफ वुमेन इन विक्टोरियन सोसाइटी। जो रोल थे वुमेन के विक्टोरियन सोसाइटी में वो दर्शाए गए हैं। द ब्लिच गार्ड सिटी इज एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये नॉवेल थी वो क्या दिखाती है? एग्जामिन दी इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है ऑन स्मॉल स्कॉटिश टाउन, जो स्मॉल स्कॉटिश टाउन पर वो दिखाया गया है। वाइल द क्रॉनिकल ऑफ द क्लैनफॉर, और द क्रॉनिकल ऑफ द क्लैनफॉर क्या दिखाया था? ऑफर द सैटायरिकल पोर्ट्रेयल, सैटायरिक यानी कटाक्ष वाला पोर्ट्रेयल ऑफ प्रोविंशियल लाइफ एंड इट्स एसेंशियलिस्टिकल, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत होता तो करेक्ट कर लेना, इंट्रोड्यूस। सेवेंथ है डिना मारिया क्रेक। मेजर वर्क्स है जॉन हैलिफैक्स जेंटलमैन एंड अ वुमेन्स थॉट्स अबाउट वुमेन्स। इनके मेजर वर्क्स है, थीम्स है क्रेक्स नॉवेल्स ऑफन फोकस ऑन थीम्स ऑफ डोमेस्टिसिटी मॉरालिटी एंड द स्टेट्स ऑफ वुमेन। जॉन हैलिफैक्स जेंटलमैन फॉलोज द राइज ऑफ वर्किंग क्लास। जॉन हैलिफैक्स जेंटलमैन के नाम की नॉवेल है वो क्या फॉलो करती है? द राइज ऑफ वर्किंग क्लास, यानी कि जो राइज है वर्किंग क्लास का। मैन हु एम्बॉडीज द वर्च्यू ऑफ इंटीग्रिटी, जो मैन है वो वर्च्यूज ऑफ इंटीग्रिटी दिखा होता है, काइंडनेस एंड हार्ड वर्क को वो दिखाता है। वाइल अ वुमेन्स थॉट्स अबाउट अ वुमेन्स एडवोकेट फॉर वुमेन्स एजुकेशन, इनके जो ये नॉवल है वुमेन्स थॉट्स अबाउट वुमेन्स, ये एडवोकेट यानी कि सपोर्ट करता है वुमेन्स एजुकेशन एंड सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट है मैरी एलिजाबेथ ब्रैंडन, इनके मेजर वर्क्स है लेडी ऑडेल ऑडेलेस सीक्रेट्स, अरोरा फ्लॉड। थीम्स है ब्रैंडन्स सेंसेशन नॉवेल्स वर नोन फॉर देयर थ्रिलिंग प्लॉट्स। उनके थ्रिलिंग प्लॉट्स है जो मैरी एलिजाबेथ है, उनके थ्रिलिंग प्लॉट है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होते हैं एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ टैबू सब्जेक्ट। जो टैबूस लगे होते हैं समाज के अंदर, जो धारणाएं हैं वो सब्जेक्ट होते हैं उनका एक्सप्लोरेशन में।
लेडी ऑडलेस सेक्रेट इज अ ग्रिपिंग टेल ऑफ द डिसेप्शन एंड मर्डर। जो ये वर्क है वो का वो ग्रिपिंग यानी कि टेल ग्रिपिंग बंधन रखता है टेल ऑफ यानी कि स्टोरी ऑफ द मर्डर, वाइल अरोरा फ्रॉयड डील्स इन टू द थीम ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि लेगेसी। जो ये वर्क है अरोरा फ्रॉयड वो डील करता है इनहेरिटेंस, लेगेसी, आइडेंटिटी एंड फीमेल एजेंसी। नेक्स्ट है फ्लोरेंस मैरियट। फ्लोरेंस मैरियट मेजर वर्क्स है लव कॉन्फ्लिक्ट, द ब्लड ऑफ द वैम्पायर। थीम्स रहे उनके मैरियट्स नॉवेल्स ऑफन कम्बाइंस एलिमेंट ऑफ रोमांस, एलिमेंट ऑफ रोमांस है एडवेंचर्स है एंड सुपर नेचुरल इवेंट्स। लव्स कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लोर द टेंशन बिटवीन द लव एंड ड्यूटी, एक्सप्लोर करती है लव एंड ड्यूटी को। द ब्लड ऑफ द वेम्पायर इज अ गोथिक टेल, क्रिटिक्स सोशल हिपोक्रेसी एंड प्रिजुडिस। गोथिक का मतलब है थोड़ा डरावनी स्टोरियाँ होती है इसके अंदर। रॉड ब्रॉटन मेजर वर्क्स है रोडा ब्रॉटन के मेजर वर्क्स है कॉमेट अप एज फ्लावर फ्लावर नॉट विजली बट टू वेल। उनके थीम्स है नॉवेल्स ऑफन डिपिक्टिंग द इमोशनल एंड सेक्सुअल स्ट्रगल ऑफ द यंग वुमेन। जो इमोशनल एंड सेक्सुअल स्ट्रगल है वुमेन की वो दिखाया गया है वी इन विक्टोरियन सोसाइटी। कमेथ अप टू फ्लावर एग्जामिन्स दी कंसिक्वेंस ऑफ वुमेन्स परस्यूट ऑफ पैशन। जो वुमेन्स के पैशन को परस्यूट करता है एंड ड्यूटी, वाइल द नॉट वाइजली बट टू वेल एक्सप्लोर द थीम ऑफ बेट्रियल। जो ये नॉवेल है वो क्या एक्सप्लोर करते हैं थीम्स, तो बेट्रियल यानी कि दगा, जेलेसी एंड लिमिटेशन ऑफ लव। जो लिमिटेशन ऑफ लव होती है वो एक्सप्लोर करती है। लास्ट में इन कंक्लूजन में है द विक्टोरियन वुमेन नॉवेलिस्ट मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। जो वुमेन नॉवेलिस्ट है उन्होंने महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया है लिटरेचर के अंदर, चैलेंजिंग द प्रिविलेज नॉर्म्स एंड प्रोवाइडिंग इंसाइटफुल क्रिटिक एंड देयर सोसाइटी। जो क्रिटिसाइज करते हैं अपनी सोसाइटी को थ्रू देयर वर्क्स, अपने वर्क्स के माध्यम से दे कंटिन्यू टू रिजोनेट विद दी रीडर्स ऑफरिंग टाइमलेस एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन नेचर मॉरलिटी एंड परस्यूट ऑफ फ्रीडम एंड फुलफिलमेंट। लास्ट में जो आपको ये वीडियो समझ में और हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना और इसकी पीडीएफ